पलायन वार सिर्फ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके हो रहा है या विचारों को लेके भी हो रहा है क्योंकि हमने देखा कि जब इंडिया अलायंस बनी जब उनके कई सारे उस पर उनके साथ कई लोग जुड़े थे तब ये कहा गया कि डेमोक्रेसी को धोखा है लोकशाही को धोखा है अगर मोदी फिर एक बार आते हैं तो लोकशाही ख़त्म हो जाएगी लेकिन वो कैसे ख़त्म होगी इसके कोई ख़ास ठोस एग्जाम्पल वो दे नहीं पाए वहां पर अपना स्टैंड क्लियर करते करते अब वो पहुंच गए हैं कि संविधान खतरे में है तो आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पुख्ता शायद उनके पास जवाब नहीं है और काफी हवाबाजी हो हो रही है या फिर दे आर नॉट कमिंग अप विद कॉन्क्रीट आइडियाज फॉर द डेवलपमेंट एंड दे आर जस्ट पासिंग द बक बिल्कुल सही बात है देखिए कोई मुद्दा ही उनके पास बचा नहीं है अभी जो संविधान बदलने वाली बात है ये मूर्खतापूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने यह कह दिया है कि इस देश के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला नहीं जा सकता देश के संसद को भी उसका अधिकार नहीं है इस चीज़ को जानकर भी रोज ये कहना कि 400 पार जाएंगे तो संविधान बदलेंगे अरे भाई पूरी मेजॉरिटी तो 2014 में भी थी 2019 में भी थी संविधान को मजबूत करने का काम मोदी जी ने किया मोदी जी तो कहते हैं जब तक मैं हूं और बीजेपी है हम संविधान को किसी को छूने नहीं देंगे मोदी जी कहते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का संविधान था इसलिए मुझ जैसा चाय वाले का बेटा और चाय बेचने वाला बच्चा आज देश का प्रधानमंत्री बना कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस को अल्ट्रा लिफ्टिस्ट अर्बन माओवादियों ने घेरा है और कांग्रेस के माध्यम से अपना एजेंडा चला रहे हैं कांग्रेस का घोषणा पत्र अर्बन माओवादियों का घोषणा पत्र है अल्ट्रा लिफ्टिस्ट घोषणा पत्र है। और जब तक इन लोगों से राहुल गांधी और कांग्रेस घिरी रहेगी दुनिया ने जिनको नकार दिया दुनिया में जो फेल हो गए ऐसे विचारों को लेकर आप अगर विकसित होने वाले भारत के सामने आओगे के सामने आओगे, तो आपको रिजेक्ट ही किया जाएगा उसी प्रकार से वो रिजेक्ट हो रहे हैं। एक और कहना कि संविधान खतरे में है और दूसरी और कहना कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा इन दोनों मुद्दों को कैसे देखिए बिल्कुल आपने बहुत सही मुद्दा पकड़ा है क्योंकि आप संविधान की बात करते हो तो संविधान सभा में जिस समय रिजर्वेशन के बारे में चर्चा आई तो सारे बड़े बड़े लोग संविधान सभा में थे और काफी गहन चर्चा के बाद सर्वमत से सर्वमत से निर्णय हुआ एक भी डिसेंट नहीं था। और सबने मिलकर यह कहा कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं दिया जा सकेगा लेकिन संविधान की गुहार लगाने वाली कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण दे रही है देने की बात कर रही है उन्होंने कर्नाटक में दिया सुप्रीम कोर्ट ने नकारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप नहीं दे सकते हो अब उन्हीं लोगों को ओबीसी बनाकर रिजर्वेशन देकर ओबीसी का हक मारने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है तो एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने संविधान का भी अपमान किया है और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब का भी अपमान वो कर रहे हैं